पटना में आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव शामिल हुए। बड़ी बात यह रही कि सार्वजनिक मंच से लालू प्रसाद ने पहली बार कहा कि तेजस्वी ही अब पार्टी को आगे ले जाएंगे, बिहार में सरकार भी बनाएंगे। इससे साफ है कि पार्टी की बागडोर अब तेजस्वी ही पूरी तरह से संभालेंगे। स्थापना दिवस का मौका था। स्थापना दिवस के मौके पर लगाए गए पोस्टर बैनर में लालू राबड़ी के अलावा तेजस्वी यादव की ही तस्वीर दिखी। लालू परिवार से मीसा भारती या तेज प्रताप यादव भी मंच पर नहीं थे। वहीं अब पार्टी में सिर्फ लालू प्रसाद को ही चांदी का मुकुट नहीं पहनाया जा रहा। लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल से नेता अभय कुशवाहा ने पहले लालू प्रसाद को चांदी का मुकुट पहनाया और उसके बाद तेजस्वी यादव को भी। स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने करीब 26 मिनट तक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने आरजेडी का एजेंडा सामने रखा। पार्टी के अंदर कैसी कठोरता भविष्य में दिखाई देगी उसके संकेत भी दिए। उसे संकेत रूम में नहीं बल्कि साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया। सांसदों, विधायकों, पार्षदों, कार्यकर्ताओं से ये कहा कि जनता के बीच पहुंचिए, सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कीजिए।